हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑक्टोपैड लवर में दोस्तों। और यह है नया ऑक्टोपैड MSP 20 Pro जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में। और आइए हम ये आज सीखेंगे। इसमें मैं रेगुलर अब वीडियो लेके आऊंगा। ये पैड भी मैंने ले लिया है, आप पीछे भी जाके देखें, बहुत सारे पेज मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं इसके। बहुत गजब का पैड है ना। तो आइए एक पेज बजा के बताता हूँ, उसकी एडिटिंग पूरी मैं कम्प्लीट बताऊंगा, कैसे क्या करना है इसमें, कैसे बजाना है, पैटर्न भी बताऊंगा, है ना। तो लूप भी डाला हुआ है इसमें। तो पहले हम सिंपल देख लेते हैं किस तरीके से, फिर लूप के साथ भी बता दूंगा कैसे बजाना है। दोस्तों सुना आपने, मजा आ गया होगा आपको सुन के, बहुत अच्छा पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बजाना है। तो सबसे पहले इधर बेस है, ढोल की चाटी है, घुंगरू डले हुए हैं ना, आपको बजाना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करना है 1 2। इधर देखो डले हुआ है ढोल की चाटी में ना, 1 2 3 4, ये प्रैक्टिस करना है। 1 2 4 2 4 2 4 2 4 फिर 1 2 3 4 4 में हम इधर आ गए, 1 2 4 3 के बीच में ढोल की चाटी है ना, 1 2 ये 2 हुआ पूरा, 1 2 है ना, ये 2 3 4। ये पैटर्न हो गया बजने का। इधर पे थोड़ा सा छोटा लूप डला हुआ है, ये आप बजा सकते हैं है ना इसके साथ। चाहे तो ये बेस के पीछे क्लैप डला हुआ है, देखो इसको कैसे बजा सकते हैं। है ना, और ये घुमकी भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। अब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में और 4 और 1 के बीच में ढोल की चाटी आएगी। तो इस तरीके से ये पेज बजा के मैंने आपको बताया है ना। अब देख लेते हैं फटाफट इसकी एडिटिंग है ना। तो एडिटिंग के लिए मैं बोल बोल के ही बता देता हूँ आपको, मेन्यू वाली बटन है उसमें जाना है ना, और उसमें शॉर है उसके बाजू में बटन, उसको शॉर दबाने के बाद लेयर वन आ जाएगी आपको है ना। इधर पे लेयर वन जो 1 नंबर पे हमारा साउंड डला हुआ है वो डला हुआ है 1015 लेयर वन। सेकंड पे देखते हैं तो लेयर डली है नॉइस HS0P0842 जिसको आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप इधर जाएंगे तो 0094 का ये किक डली हुई है जो आप डाल सकते हैं। इधर पे जाएंगे लेयर वन में डला वो किक डली हुई है 7 to 7 0094। इधर ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1825 नंबर का ये लूप है जो डला हुआ है। इसमें आप जाएंगे तो लूप मिल जाएगा 2034 पे आपको, है ना, 2034। इसमें नंबर डला हुआ है दोस्तों, ये ढोलक का बाया, तो ढोलक का बाया आपको 1184 पे मिल जाएगा। देन आपको मिल जाएगी किक वो 0094। अब लेयर में हम चलते हैं, तो लेयर के लिए आपको लेयर प्रेस करके ये सेकंड लेयर वाली तो हमने बटन दबाई है ना,
लेयर दबाया और ये सेकंड वाली बटन दबाई, मतलब दो नंबर बटन, तो हम लेयर टू पे बोलते हैं। देख लें लेयर टू में ये देखो घुंगरू डला हुआ है 1004 नंबर का, है ना। इसमें आपके ट्राइंगल डला हुआ है 0950, है ना। इसमें आपकी क्लैप डली हुई है 0971। इसमें डला हुआ है आपका 1168, है ना, गोल की चार्ट के डाल। इसमें कुछ नहीं डला हुआ है सेकंड लेयर में, इसमें भी कुछ नहीं डला हुआ है। इसमें डला हुआ है 0842, इसमें सेकंड लेयर में, और इसमें क्रैश डला हुआ है, तो 0706 नंबर का ये क्रैश है, है ना। चलिए आइए, अब इसमें आप एक शॉर्टकट तरीका है कि इसको बैलेंस करना है, तो लेयर बटन दबा के लगना है आपको, है ना। तो लेयर 1, 2 और 3 में आपको वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो ये 56 वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम का डायरेक्ट आप वॉल्यूम तीनों लेयर है ना, इसमें एक का 56 है, एक का 45 है, एक का फिर 56 है, जो कि वॉल्यूम है तीनों लेयर बोलते जा रहा हूँ। इसमें तीनों लेयर का वॉल्यूम 56 है, इसमें भी तीनों लेयर का वॉल्यूम 56 है, इसमें 63 वॉल्यूम है ना, इधर ल्यूब डला हुआ है सबसे ऊपर, दोनों में कुछ नहीं डला हुआ है, इसमें भी ल्यूब डला हुआ है, तो इसका वॉल्यूम 56 है। देन हम इसमें गए तो इसमें जितनी भी 3 लेयर डली हुई, तो एक का वॉल्यूम 56, एक का 56 और एक का 45 है ना। और देखिए ये इसमें क्रैश डला हुआ है हमारा क्रैश, तो इसका भी 56 वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम एक्सिडेंट से वापस आ जाएंगे, एक हमने तीसरी लेयर नहीं देखी, तीसरी लेयर देख लेते किसमें क्या डला हुआ है। इसमें कुछ नहीं डला हुआ है ना, इसमें भी कुछ नहीं डला हुआ है, किसी भी लेयर में इसमें डला हुआ है, इसमें 1004 नंबर गुरु डला हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं डला, इसमें कुछ नहीं डला, इसमें तीसरी लेयर में डला हुआ है, इसमें 0950 डला हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं डला, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, वापस आते हैं लेयर सिक्स, लेयर सिक्स सभी से ऑन रहेंगे, सबके लेयर से चॉइन ऑन रहेंगे, ऑन रखना ही पड़ेंगे तभी बजेगा बैड। इसके बाद आप ट्रिगर वॉल्यूम, वो मैं बता ही चुका हूँ, वॉल्यूम पेन सबका सेंटर रहेगा। अब डिके है तो डिके देख लीजिए आप, 31 आप तो सब में कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, सब में 31 रहेगा। अब थोड़ा सा ट्यूनिंग देख लेते हैं, ट्यूनिंग में लेयर वन में 0 है, इसमें +4 है ना, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें +1 है, +1 इसमें है और इसमें भी +1 है, ठीक है। अब हम सेकेंड लेयर में देख लेते हैं क्रॉस ट्यूनिंग में क्या करेगा, तो +5 है इसमें सेकेंड लेयर में, इसमें +3 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें +4 है और इसमें 0 है। अब थर्ड लेयर देख लेते हैं हम एक बार, थर्ड लेयर में क्या क्या है, इसमें कुछ नहीं डला, इसमें कुछ नहीं डला, क्रॉस ट्यूनिंग इसमें है, इसमें 0 रहेगी, क्रॉस ट्यूनिंग है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, थर्ड लेयर में इसमें, तो इसमें +3 रहेगा थर्ड लेयर में, कुछ नहीं डला हुआ है। चलिए आइए नीचे चलते हैं, फाइन ट्यून भी कुछ नहीं, 0-0 रखना है आपको, मफलिंग सबकी 31-31 ही रखना है, लेयर 1 में आ जाता है 31-31 सबकी मफलिंग रखना है। अटैक आपको 5 रखना है, लेवल 5 रहेगा, रिपीट एस डब्ल्यू ये ऑफ रहेगा है ना, लेयर कर्व रहेगा आपका लाइनर, सब में लाइनर ही रहेगा है ना, वो ऑलरेडी वैसे दिया ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे आते हैं पॉलीसॉक ऑन रहेगा, अब ये देख लेते हैं एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में इसमें और इसमें ग्रुप बन रहेगा, दोनों पे एक्सक्लूसिव आपको ग्रुप बन रखना है ना, और बाकी इधर पे सॉरी ये ट्यूब डला हुआ है, डला बहुत परेशान करता है, बजने लगता है जैसे हाँ आपको एक चीज और करनी है, ग्रुप वन ये चारों में ग्रुप वन डालना है ना, और इधर कुछ भी नहीं रहेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ रहेगा, इधर पे और डलेगा ग्रुप वन है ना, जिससे
वो ये ओपन क्लोज बंद हो जाता है ना, तो इसलिए ग्रुप वन उसमें डाला हुआ है, इसमें बंद हो जाएगा, बाकी सब आपका ऑफ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एडिटिंग समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेज के साथ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा एक चैनल और है फैक्ट्री जंक्शन, उसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसमें आपके घर वालों और आपके लिए बहुत सारे हम योगा और एक्सरसाइज के वीडियो बनाते हैं, तो वो आपके काम आ सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।